सनरूफ भी लीकेज मार रही है गाइस, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस गाड़ी से। तो ये देखिए, यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है, तो क्या किया जाए गाइस। गोड़े मत बोलेगा साले। तारिक भाई बिल्कुल बंदर की तरह छत पे चढ़े हैं और काम कर रहे हैं। Hey, what's up? Good morning. तो कैसे हो सारे? आई होप सारे बढ़िया होंगे। आपका भाई भी एकदम बढ़िया है। तो आज मौसम काफी अच्छा हो रहा है, मतलब बारिश वारिश हो रही है हल्की फुल्की। हम अभी जिप्सी को लेके जा रहे हैं एक वर्कशॉप में, वहाँ पे उसका पूरा रबिंग का काम होने वाला है, गाड़ी में एक शाइन आने वाली है। तो अपनी बजूका को पूरा रेडी करेंगे और काफ़ी जगह हमें एक्सप्लोर भी करना है। काफ़ी सारी कमियाँ हैं अभी गाड़ी में, क्योंकि अपने हिसाब से कस्टमाइज़ की है, तो उन कमियों को भी दूर करेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ, आपको दिखाते हैं क्या सीन रहने वाला है आज। तो बाहर पूरा बारिश का माहौल उड़ का है और अपनी बजूका यहाँ पर खड़ी है, और ये सीन रहने वाला है कुछ इस तरीके से। ये खोलते हैं गाड़ी, अंदर बैठते हैं। ओह सर लग गया मेरा। तो सीट काफी आगे हो रही है, तो इसको एडजस्ट करता हूँ मैं। और ये रहा हमारा GoPro, इसको माउंट करेंगे आज। तो ये GoPro माउंट कर दिया है मैंने, और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इससे अब वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी बजूका के अंदर बैठ गए और इसमें चौक वगैरह होती है, तो चौक खींच के गाड़ी स्टार्ट करनी होती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है क्योंकि बारिश हो रही थी। मिनट और फिर हम निकल रहे हैं यहाँ से। पहले हमेशा आगे को गियर लगाना चाहिए। टायर स्किड मार रहे हैं। तो ये कीचड़ भी फेंकेगी। आगे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहा कुछ सीन आगे का, पूरा बारिश हो रही है और गाड़ी का साइलेंसर फुल नॉइज कर रहा है। सबसे अच्छा लगता है मुझको इसका स्टीयरिंग व्हील। ये पावर स्टीयरिंग नहीं है, बिल्कुल सादा स्टीयरिंग है, तो फिर भी काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। मतलब फील नहीं होता कि ये पावर स्टीयरिंग गाड़ी नहीं है। तो अभी कुछ टाइम में हम इस पर इंस्टॉल वगैरह करवाएंगे। और ये रहा कुछ पीछे का, और सनरूफ से बाहर का नज़ारा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस बारिश कंटिन्यू हो रही है और जिप्सी ने साइड से पूरा कीचड़ उड़ा दिया है। पूरी साइड है, दोनों साइडें गंदी हो गई है। मैं अच्छे से धो के लेके आया था रबिंग के लिए, अब फिर से धुलवानी पड़ेगी साइड। मतलब आपको अभी दिखाऊंगा, पूरी साइड प्रॉपरली गंदी हो गई है गाइस। आज रिस्पना पे काफी ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए बाहर पूरा ट्रैफिक हो रहा है, बस अब रिस्पना से थोड़ा सा ही आगे जाना है हमें। बारिश की वजह से आज मोस्टली सारे लोग कार में ही निकले हुए हैं। गाड़ी चलाने का मजा अलग ही है। अभी आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या कमियाँ हो रही है, गाड़ी से कितना परेशान हूँ मैं, क्या सीन है। सबसे पहले तो ये कीचड़ फेंक रही है काफी ज्यादा, जो मैंने रिंग निकाली हुई थी उससे काफी ज्यादा कीचड़ आ रहा है, और भी काफी चीजें हैं। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं तनवीर भाई के गैराज पे। तो राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी पूरी गंदी हो गई है, यहाँ तक कीचड़ आ चुका है। देखिए यहाँ तक गाड़ी पूरा कीचड़ मार रही है, पूरा कीचड़ी कीचड़ हो गई है गाड़ी में, और बारिश ने हाल बुरा कर दिया है। पूरी गाड़ी पानी में भीग रही है, और
ऐसा में काम भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बारिश में पेंट वाला काम पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखते हैं बारिश इंद्रदेव हम पे कोई दया करते हैं या नहीं, या कंटिन्यू बारिश रहती है, देखते हैं क्या होता है गाइज। तो गाइज बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा नीचे वाले गैराज में जाऊँ क्योंकि इसके साइड व्हील आर्स लगाने की सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या सीन रहता है, लगते हैं या नहीं, क्योंकि ये खतरनाक कीचड़ मार रही है गाड़ी। वो बारिश में जिप्सी चलाने का अलग ही मजा है गाइस। तो गाइस अभी हम थोड़ा एक शीशे का पता करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा लीकेज आ रही है, और हमने एक नूब ड्राइवर को अभी गाड़ी दी है जिनको गाड़ी चलानी नहीं आ रही, बड़ी मुश्किल से सीखे हैं ये, पहली पहली बार चला रहे हैं हमारे तारिक भाई। तो अभी शीशा पता करते हैं, पीछे अनुज बैठा है और काफी काम करने हैं, जिप्सी अभी काफी दिक्कत दे रही है गाइस। तो अभी तारिक भाई का रिएक्शन नोट करेंगे, उनको जिप्सी चला के कैसा फील हो रहा है। तारिक भाई बताओ फिर क्या क्या फील हो रहा है। तो जिप्सी है भाई, बनाई है इसको तारिक भाई, मजा भी आ रहा है चलाने में। तारिक भाई ने काफी मेहनत की है जिप्सी बनाने में, तो उनका हक है कि वो सबसे पहले चलाए इसे और देख के बताए कैसी चल रही है। जगह हो रही तेरे को? बिल्कुल एंजॉय फुल, तेरे लिए सही है पीछे भाई, और कोई बैठा है ना बैठा, मेरे आराम से गुड है सीट पीछे भी। अब ये गोटे मत बोलेगा साले, उठने मैं तुझे ना। तो गाइस आज कंटिन्यू बारिश हो रही है और मेरे कुछ काम भी नहीं बन रहे हैं, ये देखिए सनरूफ भी लीकेज मार रही है गाइस, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस गाड़ी से, दोनों साइड से सनरूफ लीकेज मार रही है, और अनुज हंस रहा है यहाँ पे बैठ के, बहुत हंसी आ रही है बहुत ज्यादा। तो ये देखिए यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है, तो क्या किया जाए गाइस, मैं तो परेशान हो गया इस सनरूफ से गाइस। तो अभी इसके लिए मैंने एक जुगाड़ सोचा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ से किनारे तक पूरी इसमें ग्लास चिपका दी जाएगी, तो देखते हैं अभी क्या सीन रहता है। गाइस इससे पानी टपक रहा है, बूंद बूंद सनरूफ से पानी आ रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ तारिक भाई से, ये सही करके नहीं दे रहे गाइस, क्या करें तारिक भाई का, सही भी नहीं करनी ब्रो, आप कैसे हो गए फिर बंदे, देख सकते हो आप गाइस, ये डेली बुलाने के चक्कर में छोटी छोटी कमियां छोड़ देते हैं गाड़ी में ताकि ये डेली मिलने आए, क्या करें गाइस मजबूरी आना पड़ता है। तो गाइस अब यह ग्लास कटाना पड़ेगा और उसे सीलेंट से चिपकाना पड़ेगा ताकि परमानेंट जुगाड़ हो जाए, पानी अंदर ना आए, तभी पता करते हैं ग्लास कहाँ मिलेगा क्यों। और इसमें आर्स भी लगाना है, कीचड़ फेंक रही है गाड़ी बहुत ज़्यादा, तो सारा काम हमारे तारिक भाई करेंगे, इनको मैंने डेट भाई कहता हूँ मैंने, क्योंकि ये टाइम पे कुछ काम करते नहीं है। इसीलिए गाइस, तो गाइस ग्लास का तो पता नहीं क्या सीन रहेगा, बट अभी सीलेंट लगा रहे हैं पूरी छत पे ताकि लीकेज ना आए, क्या झेलना पड़ता है गाइस, सनरूफ लीक हो गई जिप्सी की, क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या मुसीबत है जिप्सी। तारिक भाई बिल्कुल बंदर की तरह छत पे चढ़े हैं और काम कर रहे हैं, तो अभी प्रॉपर सीलेंट लगा के भाई सफाई कर रहा है ताकि ये क्लियर हो जाए पूरा। तो गाइस अभी जिप्सी का सनरूफ का काम करवा के, जिप्सी मैंने वहीं छोड़ दी थी, और मैं आया हूँ अभी हॉट कॉफ़ी पीने चाय सुट्टा बार, तो ठंड लग रही थी क्योंकि मौसम में चेंज आ गया है आज, देहरादून में काफ़ी बारिश हो रही है, तो अभी चाय सुट्टा बार की हॉट कॉफ़ी पीते हैं और फिर जाते हैं घर और रेस्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं घर आ चुका हूँ और मैंने अपने लिए बनाया है फ्राइड राइस और फिश, तो अभी फ्राइड राइस और फिश खाते हैं। आज तो गाड़ी में रबिंग का काम हुआ नहीं, कल देखते हैं क्या रहता है, मौसम पे डिपेंड करता है, मौसम सही होगा तो काम हो जाएगा। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे कंटेंट के साथ आगे, तब तक के लिए बाय बाय।